हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नेहा। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ एक बहुत ही हेल्दी रेसिपी शेयर करने जा रही हूं। वैसे तो मॉर्निंग में हमें कई बार लगता है कि हम क्या बनाएं। ऑप्शन तो होते हैं हमारे पास, आप पोहा भी बना सकते हो, उपमा भी बना सकते हो, लेकिन आज मैं जो रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है ग्रीन मूंग दाल चीले की। तो आप जो बना के खाओगे ना, आपको एक बहुत ही अच्छा टेस्ट मिलेगा और वो बहुत ही ज्यादा हेल्दी भी होता है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, मूंग दाल चीला बनाने के लिए सबसे पहले हमने ये जो ग्रीन मूंग दाल ली है, ये मैंने एक कप ली है और इसको मैंने ओवरनाइट सोक करने के लिए रख दिया था। अब ये पूरी तरीके से देखिए फूल चुकी है। अब हम इसे इस मिक्सी के जार में ट्रांसफर कर लेंगे। इस एक कप दाल से आप 6 से 7 चीले बना सकते हैं। और ये मैंने ना एक प्याज थोड़ी सी चॉप करके ली थी, रफली चॉप किया है इसको, ये भी डाल देंगे इसमें। और ये मैंने 4 हरी मिर्च ली है और ये मैंने थोड़ी सी अदरक ली है, इसे भी मैंने ऐसे ही रफली काट लिया है और ये इसमें मैं डाल दूंगी। और अब इसमें हम डालेंगे बिल्कुल थोड़ा सा पानी और अब इसको ग्राइंड कर लेंगे। अगर आपको लगे कि ये नहीं पिस पा रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी और डाल सकते हैं। ये देखिए दाल हमारी पिसके तैयार हो चुकी है। अब मैं इसे एक बाउल में ट्रांसफर कर लूंगी। ये देखिए इस तरीके से रखना है आपको। अब इसमें हम डाल देंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, थोड़ा सा नमक डाल देंगे और अब इसको अच्छे से मिला देंगे। अब हमें ये थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है क्योंकि चीला इसका बन नहीं पाएगा। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे। ये जो मैंने जार मिक्सी का था इसी में मैंने धो के थोड़ा सा पानी डाल दिया है और इसे मिला दूंगी मैं। अभी हम इसे थोड़ा सा पतला और करेंगे। तो आप देखिए ये इसका परफेक्ट घोल बनके तैयार हो चुका है। इस तरीके से आपको रखना है, ये पोरिंग है थोड़ा सा, ये देखिए। अब हम इसका चीला बनाना स्टार्ट करते हैं। बैटर हमारा तैयार हो चुका है। तो चीला बनाने के लिए आपको ना एक नॉन स्टिक की तवा लेना है क्योंकि अगर आप आयरन वाले पे इसे बनाओगे तो वो चिपक सकता है। ये मैंने डोसा तवा लिया है क्योंकि इस पे और अच्छे से बनके तैयार होगा। दिखाऊंगी मैं आपको किस तरीके से ये बनेगा। इसको हम थोड़ा सा हीट होने देंगे। तो फ्रेंड्स, चीला बनाना शुरू करते हैं। हमें ना इस तरह में ऑयल नहीं लगाना है, हमें लगाना है थोड़ा सा पानी। पहले हम पानी के थोड़े से छींटे लगाएंगे और इसे किसी कपड़े से ना पोंछ देंगे। हम इस तरीके से हमें इसे पोंछ देना है। और अब हम अपना जो बैटर है ना वो फैलाएंगे इस पर। मैंने ये 1 चम्मच ले लिया है और इसे इस तरीके से बीच में डाल के और ऐसे फैला देंगे जैसे हम डोसे को फैलाते हैं ना, उस तरीके से हमें इसे फैला देना है। वैसे आप इसे मूंग दाल का डोसा भी बोल सकते हैं। अब मैंने इसे इसमें फैला दिया है। अब ये जब थोड़ा थोड़ा आप देखोगे ना, इसमें थोड़े थोड़े से होल होने शुरू हो गए हैं। अब आप इसमें थोड़ा सा घी लगा सकते हैं। ये साइड में मैंने थोड़ा सा लगा दिया है। वैसे तो ये नॉन स्टिक है तो जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा लगा सकते हैं। बिल्कुल थोड़ा सा डाला है मैंने। अब ये सिकता रहेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये अब धीरे धीरे ना सिकना शुरू हो गया है, मतलब सिक चुका है नीचे से। अब हम इसे पलट देंगे, बहुत ही सेफली हमें पलटना है। ये देखिए आप देख सकते हैं किस तरीके जैसे डोसा सिक जाता है ना, उस तरीके से सिक के तैयार हो चुका है। और इसका टेस्ट आप एक बार खाओगे ना बना के तो बहुत ही ज्यादा हेल्दी तो होता ही है, लेकिन टेस्टी भी बहुत होता है। खाने में ही लगता नहीं है कि हमें कुछ, जैसे लोगों का एक वो होता है सोच कि हेल्दी चीजें टेस्टी नहीं होती है, ये हेल्दी भी है और टेस्टी भी बहुत। तो इसे हम नीचे से भी थोड़ा सा पका लेंगे। और
अब हम इसे फिर से पलट देंगे। अब इसको थोड़ा सा और टेस्टी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा प्याज ना स्प्रिंकल कर देंगे। और थोड़ा सा पनीर ऐड कर देंगे। और थोड़ा सा डालूंगी मैं इसपे चाट मसाला। और ये हमारा हेल्दी और टेस्टी चीला बनके बिल्कुल तैयार। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि कहते हैं ना, खाना जब देखने में सुंदर लगता है तो वो टेस्टी भी बहुत होता है। और ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है देखने में, और खाने में तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। तो ये देखिए चीला बनके तैयार है। आप इसे सॉस के साथ, ग्रीन चटनी के साथ, जैसे आप, या फिर थोड़ी सी चाय के साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। एक बार आप अपने घर में जरूर ट्राई कीजिए, मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा। हेल्दी नाश्ता बनके तैयार है। ये बहुत ही सिंपल, टेस्टी और क्विक बनने वाली रेसिपी है। तो आप ये रेसिपी अपने घर में जरूर ट्राई कीजिए। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हो तो हमारे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।